उज्जैन फल मंडी में इस समय अमरूद की आवक खूब हो रही है, इससे अमरूद उत्पादकों को कम भाव मिल रहे हैं। उज्जैन जिले में कई किसानों ने अपने खेतों में अमरूद के बगीचे लगा रखे हैं। इस समय अमरूद की आवक भरपूर हो रही है और इस वर्ष अमरूद के बगीचों में भी खूब बहार है। इस वजह से उज्जैन की फल मंडी में जाम फल के भाव कम हैं और किसानों का कहना है कि बाहर मांग नहीं होने से इनका उठाव नहीं है और हम फल अपने बगीचों से लेकर आ रहे हैं, उनके भाव मंडी में कम मिल रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भैया बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जुगार केवट। कहाँ रहते हैं? इंगोरे चौपाटी। अच्छा, अभी किस प्रकार से उज्जैन जिले का जो जामफल है कहाँ कहाँ जा रहा है और किस प्रकार से क्या हो रहा है? उज्जैन जिले का जामफल भोपाल, दिल्ली, गुजरात, बड़ौदा, इंदौर, रतलाम और उज्जैन, उसके बाद से भी आर्थिक स्थिति बहुत खतरनाक है। क्योंकि मंडी में आवक क्या बनी हुई है, किस प्रकार? मंडी में तो दो तीन चार हज़ार की रेट रोज आ रहा है। अच्छा, आवक भरपूर है? भरपूर है और कोई लेवा ही नहीं मिल रहा है। समझ लो कि व्यापारी भी माल खरीद सोचना पड़े उसको कैसे माल किस प्रकार से, क्या दिक्कत क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, क्या ये कि माल की आवक भरपूर हो गई। अच्छा, ये क्या है, निमाड़ भी भरपल्ले चल रहा है। उसके बाद में कोई लाल बाग का जो है तीन उधर से भी बहुत माल आ रहा है, वो अपना जो मालवा क्षेत्र है ये भी भरपल्ले हो गया है। एक साथ में तो उसकी वजह से फिर क्या हो रहा है? और ये सारी स्थिति बता रहे हैं कोरोना की वजह से, बता रहे हैं जो खाने से कोरोना के ऊपर डिपेंड पड़ रहा है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है। भाव कम है? भाव कम है बिल्कुल। 30 रुपये की रेट से लगा कि 15 रुपये 20 रुपये 50 रुपये भरपूर के ऊपर की रेट है, ज़्यादा कहीं भाव नहीं। एक नंबर माल जो 1800 रुपये की रेट बिक रहा था वो आज ये स्थिति बन गई। मतलब हम माल तोड़ के ला रहे हैं किसान का, तो मजदूर को देने के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे, ये स्थिति बन गई। हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं बाजार में सुधार आएगा, लेकिन कहीं आपका बगीचे खाली होना आ गया, लेकिन कहीं आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डावर हो गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।